हरे कृष्णा। दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ धनबाद एक जिद्दी लड़का का जिद पूरा करने के लिए। और अभी अभी 12 बज के पार हो गया है। और दोस्तों देखिए मैं अभी आलिया जैसे लग रही हूँ। घर से निकलते टाइम तो बहुत अच्छी लगती हूँ, लेकिन वापस आने के बाद कालिया हो जाती हूँ। आज वीडियो में नोटिस कीजिएगा, ठीक है? वापस आते टाइम मैं कैसे लगूंगी, कालिया बनती हूँ कि नहीं। देखो ना, पिताजी ने आज सत्तू का रोटी के साथ गुड़ दे दिया है। मीठा और नमक दोनों एक साथ। चलो खा के देखते। नहीं तो पहले मैं हमेशा मम्मी के ही साथ जाती थी, कहीं भी जाती थी मम्मी के ही साथ जाती थी। लेकिन अब मम्मी पहले जैसा चल नहीं पाती है, मम्मी के पैर में दर्द रहता है हमेशा। कुछ को खाली भालो। अच्छा ठीक है। और दोस्तों देखिए, आज मैंने माँ को चोटी बांधने के लिए बोला है। दोस्तों बाहर बहुत धूप है, बहुत गर्मी लग रहा है, इसलिए मैंने माँ को बोला कि माँ प्लीज़ चोटी बांध दो। तो माँ ने चोटी बांध दी है और मैं चोटी ये कितना दिन बाद बांध रही हूँ। दोस्तों धूप बहुत ज़्यादा है और रोड भी सन्नाटा है, एक दो गाड़ी ही चल रहा है। धूप बहुत ज़्यादा है। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि सनग्लास ले लूँ, क्योंकि धूप में कभी कभी उतना अच्छा से दिखाई नहीं देता है सामने में। लेकिन सनग्लास ले लूँगी तो फिर ब्लॉग अच्छा से नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि क्योंकि बीच बीच में दुपट्टा संभालना पड़ता है, सेल्फी स्टिक संभालना पड़ता है। ऐसे में सनग्लास अगर रहेगा तो उसको अलग से फिर संभालना पड़ेगा। हमेशा की तरह मैं अभी जा रही हूँ पैदल ऑटो पकड़ने के लिए। ऑटो पकड़ने के लिए मुझे चल के जाना पड़ता है कम से कम 15-20 मिनट तक। मैं लिपस्टिक लगाती हूँ ना, तो मेरे दांत में कभी कभी लिपस्टिक होठ से दांत में चला जाता है, इसलिए अभी चेक कर रही हूँ दांत में लिपस्टिक तो नहीं ना चला गया है। दोस्तों मैं धनबाद आ गई हूँ, लेकिन जिद्दी लड़का अभी तक आया नहीं है। उसने मुझे 11:30 बजे बुलाया था, लेकिन अभी 2 बजने वाला है, अभी 2 पूरा बजा नहीं है और वो अभी तक आया नहीं है। मैं भी लेट, वो भी लेट, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे इंतज़ार करूँ, कहीं कहीं बैठने का जगह नहीं मिल रहा। सोच रही हूँ मैं स्टोर तरफ आ गई, सोच रही हूँ तब तक मैं कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ, वो जब आएगा तब वो मुझे कॉल कर लेगा। दोस्तों वो लोग अभी ट्रेन पे ही है, अभी आने में आधा घंटा लग जाएगा। तब तक आधा घंटा मैं कहाँ पे टाइम पास करूँगी, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे एक कंपनी देने के लिए मुझे मिली है कोई, तो उन्होंने, हाँ पूजा नाम की एक सिस्टर मिली है, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो टाइम पास करने के लिए मॉल चलते हैं। तो मैं उनके साथ मॉल जा रही हूँ। अब ये पूजा सिस्टर मुझे कौन सा मॉल लेके जा रही है वो मुझे नहीं पता। यहाँ से ये वाला ही मार्ट।
तो मेरे को भी निकल गया। चलो ऐसे टाइम पास करते हैं। बाहर में हवाई चल। हाँ अच्छी हवा चल रही है। हाँ वहाँ कितना अच्छा है। गर्मी लगता तो अंदर मौसम बहुत अच्छा हो गया है, लग रहा बारिश होगा है ना। मॉल के अंदर हम लोग नहीं गए, हम लोग मॉल के बाहर ही खड़े हैं। पूजा भी किसी का इंतज़ार कर रही है और मैं जिद्दी लड़का का इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ बहुत जिद कर रहा है। दोस्तों पूजा के भैया आ गए, पूजा अपने भैया का इंतज़ार कर रही थी, अब मैं फिर से अकेली हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ अब मॉल के अंदर, क्योंकि टाइम पास तो करना है ना, क्योंकि अभी तक जिद्दी लड़का आया नहीं है। दोस्तों इस मॉल में तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, जो मुझे चाहिए मुझे वो तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। दोस्तों मैं मॉल के ग्राउंड फ्लोर में आ गई हूँ, यहाँ पे अब मुझे कुछ दिखाई दे रहा है जो मुझे ख़रीदना चाहिए। मैंने अभी एक यहाँ की लेडी स्टाफ को बोला है कि मुझे जो सामान चाहिए वो दिखाने के लिए, तो वो अभी आ रही है, तब तक मैं इधर घूम रही हूँ। तब तक आप लोग भी देखिए लेडीज़ का सामान क्या क्या मिलता है इधर। बाके बिहारी की देख छटा, मेरे मन हो गयो लटापटा। बाके बिहारी की देख छटा, मेरे मन हो गयो लटापटा। मेरे दांत में लिपस्टिक लग गया है। तेरा शौक चढ़ा है गाना उधर बज रहा है, मेरा कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसलिए मैं इधर भाग के आ गई। मॉल में मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, मुझे जैसा चाहिए था ना वैसा, मुझे एक टॉप टाइप का चाहिए था वैसा मुझे नहीं मिला, वो मैं किसी और दुकान में देखूंगी। अभी दीदी आएगी उसके साथ मैं देखूंगी किसी और दुकान में, अगर मिल जाएगा तो ठीक ही है। और दोस्तों मौसम एकदम पूरा बदल गया है, लग रहा है एकदम पूरा बारिश होगा। तब से मैं इधर उधर भटक रही हूँ लेकिन जिद्दी लड़का अभी तक आया नहीं है। तो दोस्तों फाइनली जिद्दी लड़का मिल गया, यहाँ पे खड़ा है, तब से मेरा इंतजार कर रहा है। इतना लेट कैसे हुआ बोलो? कौन वाला लेगा 13 प्रो?
दोस्तों इसका जुनून देखिए आईफोन लेने का। इधर दिखाओ, शक्ल दिखाओ। पूरा अपना पेरेंट्स को परेशान करके रखा है और ये दुकान पहले से ही देख के रखा है। आया डायरेक्ट सीधा दुकान में घुस गया। जिद्दी लड़का कौन वाला बोलो? वो सब ये वो वाला बोले आसमानी हटिया। अरे जो है ना मिलना ना टीम प्रो। ये कौन सा है? ये वाला। हां हां कितना टीम प्रो टीम प्रो कितना प्राइस हो गया? 13 प्रो इसका। टीम प्रो उसका बोला 65 तो ज्यादा ना। अरे वो 1000 ज्यादा बता रहा है। 164 का ये सारा जितना भी मोबाइल है ना एप्पल का, ये सारा सेकंड हैंड मोबाइल है। एप्पल का मोबाइल तो मेरा भी, मुझे भी लेने का बहुत मन है, लेकिन मैं एप्पल का फ़ोन कभी नहीं खरीद सकती, सेकंड हैंड भी नहीं ले सकती। क्या कर रहा है? क्या कर रहा बताओ ना, बोलो तो कुछ। क्या चेक कर रहा है? हाँ सीरियल नंबर चेक कर रहा है। सीरियल नंबर देख लो। सीरियल नंबर देखिए। अरे उसका देखो ना, सेटिंग में जाके जाके देखो, सब पता चल जाएगा उसका, सब कुछ दिया होगा। सुनो ना बाबू, सुनो, नया हो जाएगा 60,000 में, नया ले लो ना, यही वाला चाहिए। इसमें क्या खास है बताओ, बोलो क्या खास है? हाँ कुछ तो इसमें होगा खास, तभी ना तुम ये लेने खोज रहा है। अच्छा ठीक है, कैमरा नहीं वो देख लो, बोलो। सस्ता मोबाइल है तो अच्छा रहेगा। आया पकड़ा को पापा बोले धनबाद में दो लड़की का हो गया एक्सीडेंट, कुछ हो गया वो बगल में बूढ़ा बैठ में वो सब। कुछ नहीं, हम आराम से आके इधर मतलब बैठे हुए थे एक जगह पे, और एक लड़की भी मिली थी उसके साथ, थोड़ा मॉल में घूमे। दोस्तों देखिए यहाँ पे जितना भी मोबाइल है ना, सारा एप्पल है, आईफोन है। मेरा भी सपना है आईफोन खरीदना, लेकिन पता नहीं मेरा ये सपना कभी पूरा होगा कि नहीं। खरीद खरीदेगा कि नहीं बोलो। चल चल दोस्तों देखिए, ये लोग कल वृंदावन जा रहे हैं और आज ये लोग मुझे बता रहे, परसों ये लोग वृंदावन जा रहे और आज ये लोग मुझे बता रहे। बताइए एक दिन में मैं कैसे क्या करूँ? अरे तैयारी करना पड़ता है ना, बात कर लो। अच्छा ठीक है, चलो ना घर चले गए। बाल 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 की 11 बोले तो कितने बजे आए? 11:30 बजे हमको बुलाया और खुद कितने बजे आए? 4 बजे। तो कितना दाम वाम बता? नया ले लिया 40-50 हज़ार। कौन वाला ले देगा? बोलो बोलो बोलो। नौकरी करेगा तब, तब हम बूढ़ी हो जाएंगे, तब हम ब्लॉग भी नहीं बना पाएंगे। 128 कौन वाला? चलो जी इधर देखो, इधर देखो, जिद करके आईफोन ले ही लिया ना। चल घर जाके सोचबो। 5000 टका भाड़ा।
5000 টাকা ভাড়া হ্যাঁ जीवन में इसको मोबाइल मत करना अरे है बनाने के लिए मोबाइल नहीं खरीदाएगा नौकरी लेगा तो फिर खरीदेगा। मम्मी तो बोल रही है अब जीवन में कभी मोबाइल नहीं खरीदेगा। আমি এক বোতলে কিনলো জানে খালি ভাত ডাল ভাত খাই দেবো अरे कहीं नहीं जा रही है। देखो ना यहाँ से बाहर के नज़ारा कितना अच्छा धनबाद इलाका कल देखे थे गाइस यूट्यूब में आ रहा है दोस्तों ये यूट्यूब वीडियो देख के मोबाइल खरीदने के लिए आया है अब खुश है ना खुश है अब मोबाइल दिखा जीत पूरा हो गया ना छोला भटूरा कहाँ मिल रहा है छोला भटूरा दोस्तों देखिए चिट्टी लड़का बोल रहा है कि चलो मम्मी को बताते हैं और छोला भटूरा खाने चलते हैं छोला भटूरा खाने जाएंगे छोला भटूरा छोला भटूरा छोला भटूरा छोला भटूरा कहाँ मिलता है हमको नहीं पता देखिए आईफोन के साथ ये भी मिला है क्या घड़ी मार्स कंपनी का दोस्तों देखिए शाम को धनबाद का ट्रैफिक कितना ज़्यादा रहता है
दोस्तों आईफोन खरीदने के बाद दीदी सीधा अपने घर चली गई। ट्रेन से दीदी आई थी और ट्रेन से ही वापस चली गई। शाम को 6 बजे ट्रेन था, ट्रेन लेट हो जाता है इसलिए दीदी चली गई, इसलिए हम लोग साथ में कुछ खा पी भी नहीं पाए। दोस्तों अब मैं घर पहुंचने ही वाली हूं, और दोस्तों आप सब अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हरे कृष्णा। दोस्तों धनबाद तरफ बारिश का मौसम हुआ था लेकिन बारिश नहीं हुआ था, लेकिन इधर का रोड पूरा भीगा हुआ है, लग रहा है इधर बारिश हुआ है। मेरे घर तरफ रोड पूरा भीगा भीगा हुआ सा है। घर पहुंचने के बाद देखिए सबसे पहले खाना खा रहे हैं, बहुत ज़ोर से भूख लग गया है। खाने में देखिए दाल चावल है और ये आलू और कद्दू का सब्जी है।